हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10th फिजिक्स का जो टॉपिक होगा चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले चार्ज क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। टॉपिक होगा चार्ज, बहुत लोग इसी को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो अब जैसे 9th हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या था कि दो ऑब्जेक्ट होता है, एक का मास m1 मान लेते हैं, दूसरे का मास m2 मान लेते हैं, दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉरी डिस्टेंस है r मान लेते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन f मान लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ कहता था कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मासेज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब ये दोनों को इंक्लूड करेंगे 1 और 2 को, लिखेंगे नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बटा r2। वैसे जब हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे तो सेम कूलम्स लॉ में भी यही होता है, चार्ज q1 है और q2 है, दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन f है और डिस्टेंस r है, तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होगा, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। जब दोनों के एक साथ इंक्लूड करेंगे नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q1 q2 / r2। इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं और इसको इक्वेशन बी मान लेते हैं। अब ए और बी की कंपेरिजन करेंगे, ठीक है, ए और बी का जब कंपेरिजन करेंगे तो LHS बराबर LHS तो RHS बराबर RHS, यानी कि q1 q2 / r2 इज इक्वल टू m1 m2 / r2। ये लिखेंगे फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से लेते हैं, तो r2 से r2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा q1 q2 इज इक्वल टू m1 m2। अगर हम q1 इज इक्वल टू m1 मान लेते हैं तो कह सकते हैं q2 इज इक्वल टू m2 होगा, या फिर q1 इज इक्वल टू m2 होगा तो q2 इज इक्वल टू m1 होगा। किस कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे, तो हम लोग पहुंचे कि चार्ज जो है मास के बराबर है। अब वो मास m1 हो या फिर m2 हो, तो हम लोग लिख सकते हैं कि चार्ज जो है जस्ट लाइक मास विच इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनी प्रॉब्लम। अब लिख देंगे, इसको मिटाते हैं और लिखेंगे चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो हेडिंग देंगे कि व्हाट डू मीन बाय चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज। लिखेंगे चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज लाइक मास या इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चार्ज क्या है, जस्ट लाइक मास है या किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं, क्लियर। इट इज डिनोटेड बाय, बहुत सारा वो कैपिटल क्यू लिखता है, बहुत सारा वो स्मॉल क्यू लिखता है, दोनों में चलेगा कि कैपिटल क्यू भी हो सकता है स्मॉल क्यू भी हो सकता है। चार्ज को जब मेजर करेंगे इट्स SI यूनिट कूलम्ब, इसको सी से डिनोट करते हैं। चार्ज जस्ट लाइक मास है, तो मास कौन सा क्वांटिटी है, तो मास स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज क्या होगा स्केलर क्वांटिटी। तो लिखेंगे इट इज स्केलर क्वांटिटी, एनी प्रॉब्लम। हम लोग देख लिए कि चार्ज क्या होता, अब लिखेंगे चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज लाइक मास, मतलब जस्ट लाइक मास है या इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, या किसी मैटर का, किसी भी मैटर का
फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हम इसको कह सकते हैं। फिर इट इज डिनोटेड बाई क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। बहुत सारा वो स्मॉल क्यू लिखता है, बहुत सारा वो कैपिटल क्यू लिखता है। ऐसा यूनिट कूलम होता है, कूलम को सी से डिनोट करते हैं। अब स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्यों है, क्योंकि मास, जस्ट लाइक मास जो है कौन सा क्वांटिटी है, तो मास स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कंटेन करता है, इसीलिए चार्ज भी आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? चार्ज कौन सा क्वांटिटी है, कोई शक नहीं होगा, चार्ज कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज, बता दे टाइप्स ऑफ चार्ज। दो तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट में होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और सेकेंड में होगा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को प्लस भी से लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज को माइनस भी से लिखते हैं। क्लियर? कोई पूछता है कितने तरह का चार्ज होगा, तो दो तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर? एनी बच्चे, एनी प्रॉब्लम? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, बेटा दे। अब टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। टॉपिक देखेंगे, हेडिंग देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तो लिखेंगे द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आर। कौन कौन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का, तो लिखेंगे, पहला लिखेंगे लाइक, लाइक चार्ज, इसी को बोलते हैं सेम चार्ज, इज रिपेल टू ईच अदर। लाइक, इंग्लिश में लाइक को क्या करते हैं, पसंद, या भी वही चीज, लाइक मतलब दोनों सेम, ठीक है। मतलब मान लीजिए ये पॉजिटिव हुआ और ये भी पॉजिटिव हुआ, या ये निगेटिव हुआ और ये फिर ही निगेटिव हुआ, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर जाएगा, क्योंकि कभी भी एनर्जी का जो फ्लो होता है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ होता है, या तो ये दोनों हायर लोअर कंसेंट्रेशन है, या फिर ये दोनों हायर कंसेंट्रेशन है। तो जब हायर टू हायर नहीं फ्लो हो सकता, या लोअर टू लोअर फ्लो नहीं हो सकता है। ओके, दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, सेम अनलाइक चार्ज, इसी को बोलते हैं अपोजिट चार्ज, आर अट्रैक्ट टू इच अदर। मान लीजिए एक निगेटिव हुआ, एक पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो एनर्जी का फ्लो हायर टू लोअर होता है, ठीक है, तो इधर जाएगा और इधर जाएगा, ठीक है। तो जब एनर्जी का फ्लो ही हायर टू लोअर होता है, तो उस कंडीशन में एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेगा, अटैच करेगा। नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्ज, इज कंजर्व दैट इज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय।
नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय का अर्थ ना इसको हम बना सकते हैं ना इसको हम बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, तीन प्रॉपर्टी देख और प्रॉपर्टी है। पहला लाइक चार्ज या सेम चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, एक दूसरे को रिपेल करेगा क्योंकि एनर्जी का फ्लो ही हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, मतलब हायर टू हायर नहीं हो सकता और लोअर टू लोअर नहीं हो सकता। दूसरा अनलाइक या अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को क्योंकि कंसंट्रेशन हायर टू लोअर हो सकता है। कंजर्वेटिव का अर्थ है कि ना आप इसको बना सकते हो ना इसको बिगाड़ सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक जगह से दूसरे फॉर्म में जगह ट्रांसवर्स कर सकते हो, भेजा सकते हो, इसीलिए हम लोग लिखे कंजर्वेटिव, कंजर्व करना, सिंचित करना, बचा देना। क्लियर, तीन प्रॉपर्टीज है, क्लियर? तीनों प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, क्लियर, मिटा दे। चलिए अब अगला प्रॉपर्टी जिसका देखते हैं, एक एक पॉइंट को बारी बारी से समझेंगे, रटने का कोशिश नहीं करेंगे, नहीं समझ में आएगा फिर बोलेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, दैट इज क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस डॉट डॉट। मान लीजिए एक कंटेनर है, चार्ज क्यू वन है, क्यू टू है, क्यू थ्री है, सबको एक जगह कंजर्व करके रख के हम टोटल चार्ज क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब सभी को जोड़ के एक बड़ा चार्ज हम बना सकते हैं, इसलिए लिखें कि एडिटिव, मतलब एक दूसरे को जोड़ा जा सकता है, जोड़कर बड़ा चार्ज बनाया जा सकता है। क्लियर, अब लिखेंगे नेक्स्ट में, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज, दैट इज क्यू इज इक्वल टू एनी। क्वांटाइज का अर्थ हुआ q इज इक्वल टू एनी, q फॉर चार्ज ऑफ बॉडी, n फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और e फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, q क्या है, चार्ज ऑफ बॉडी, n फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है 1.6 इनटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, क्वांटाइज मतलब किसी को चार्ज आपको देना हो तो 1.5 2.5 1 पॉइंट समथिंग नहीं दे सकते, पूरा आधा और 1/4 नहीं, या तो एक या फिर दो, आई बात समझे, तो क्वांटाइज का अर्थ हुआ कि मतलब कि पूरा पूरा चार्ज देना, थोड़ा थोड़ा तो नहीं देना। कौन सा प्रॉपर्टी था, ये था पांचवा प्रॉपर्टी। ठीक है, छठा प्रॉपर्टी जो है उसको लिखते हैं, मिटा दे कोई प्रॉब्लम। दो चार्ज Q1 हुआ, Q2 हुआ, डिस्टेंस R हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F हुआ। ठीक है, ये छठा जो प्रॉपर्टी था, लिखेंगे द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड
इसका जो दूसरा नाम है कूलम्स लॉ है, दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। इसका दूसरा नाम क्या है? कूलम्स लॉ। ठीक है, दोनों के बीच का फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, चार्ज घटाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, और जब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब इसी के आधार पर एक हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है, लिखेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन constituting one coulomb of charge। कह रहा है कि एक कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये हम लोग को बताना है, एक कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये हम लोग को बताना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, गिवेन लिखना है, गिवेन क्यू इज इक्वल टू वन कूलम, ई पता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज एन। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट Q is equal to any, Q का वैल्यू 1 कूलम है, n पता नहीं, और यह 1.6 into 10 का पावर माइनस 19 कूलम, कूलम से कूलम गया तो क्या बचेगा 1 by, गुना इधर आएगा तो क्या होगा, भागा होगा, 10 का पावर माइनस 19 is equal to n। सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, 10 बट्टा 16 और गुने 10 का पावर 19 is equal to n, चूंकि निगेटिव जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर जब सॉल्व करोगे ठीक है, अब भाग दोगे तो भाग तो दोगा नहीं तो क्या बचेगा, 0.625 इंटू 10 का पावर 19 इज इक्वल टू एन। जब ये भाग करोगे तो तुम्हारा आएगा 0.625 इंटू 10 का पावर 19, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट को एक डिजिट बाद लेके जाते हैं, तो 0.625 इनटू 10 का पावर 19 गुने 10 डिवाइडेड 10 इज इक्वल टू एन। जब आप सॉल्व करके लिखोगे तो 6.25 इनटू 10 का पावर कितना हो जाएगा 18, डायरेक्ट नहीं कीजिए तो 19, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो -1 इज इक्वल टू एन, यानी कि 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इज इक्वल टू एन, कितना इलेक्ट्रॉन होगा 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतना आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत VBI क्वेश्चन है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ठीक है, अगले क्लास के लिए अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।